हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आए आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी यहाँ फ्रैंकफर्ट में 1 बजे हुए हैं और बाहर काफ़ी बर्फ हुई पड़ी हुई है, तो मैं आपको अभी बालकनी से दिखाती हूँ कि यहाँ पर कैसे बर्फ लग रहा है। मैं अपने बालकनी से आपको बर्फ की ये व्यू करवा रही हूँ। जैसा कि थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो एनी गैसेस? इंडिया नहीं, मैं बर्लिन जाने वाली हूँ कल। फ्लाइट ट्रेन से ही मैं बर्लिन जाऊँगी, जैसा कि आपने मेरे वीडियो में पेरिस के देखा था कि मैं आइस ट्रेन से जा रही थी। तो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, अगर आपको मेरे पेरिस का ट्रिप देखना है तो वो पास्ट में जाके मेरे वीडियो पे देख सकते हैं कि कैसा आइस ट्रेन होता है। और साथ ही 4 घंटे का सफ़र रहेगा वो मेरा। 2 दिन वहाँ पर मैं रहूँगी और बर्लिन में देखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे साइट सीन हैं, बहुत कुछ ऐसे हिस्टोरिक चीज़ें हैं देखने के लिए। वर्ल्ड वार से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ देखने के लिए। मैं कोशिश करूँगी बहुत सब चीज़ें को कैप्चर करने की और आपसे शेयर करने की। और मैंने कुछ परचेज किया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या खरीदा है। मैंने कुछ दिन पहले ये एक परफ्यूम परचेज की है, पीएस लव की, जो मेड इन फ्रांस है। इसे मैं अभी ओपन करके दिखाऊंगी कि अंदर से कैसा है। फ्रांस तो वैसे भी परफ्यूम के लिए काफी फेमस है। ये इसका ऐसे बोतल है, ग्लास का इसका बोतल है ऐसे। ये 50 ml का है। बहुत ही अच्छा इसका स्मेल है, बिल्कुल मतलब फ्लोरल स्मेल है इसका, बहुत ही लाइट स्मेल है इसका। मुझे लाइट ही सेंट पसंद है, परफ्यूम पसंद है, तो मैंने लाइट ही लिया है। बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्ट रहता है ये। मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारे पैकिंग भी अभी करनी है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।